दोस्तों अभी इस वीडियो में हम टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का IUPAC नाम लिखना सीखेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। देखिए यहाँ पे TERT किसके लिए यूज़ होता है, 3° कार्बन के लिए यूज़ होता है। 3° कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जो अदर 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता हो। यहाँ पे ये आपका 3° कार्बन है, और यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड यानी क्लोराइड जो है आपका इस 3° कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए इस ब्यूट शब्द का हम मतलब समझ लेते हैं। ब्यूट शब्द का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। अब देखिए हम अपना कार्बन का बॉन्ड कंप्लीट करते हैं, कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। 1 बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन आ जाएगी, 1 बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन आ जाएगी, 1 बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन आ जाएगी। इसको देखते हैं, 1 2 3 4 कंप्लीट है। IUPAC नाम के दोस्त हमारे खूब सारे वीडियो आए हुए हैं चैनल पर, तो उन्हें जाकर देखिए। मैं हूँ आपका अपना प्यारा सुरेंद्र खिलेरी। देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब हम IUPAC नाम लिखने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हैं दोस्तों, अपना पेरेंट चैन को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पेरेंट चैन कौन सी है, 1 2 3 1 2 3, यानी आपका 3 कार्बन का यहाँ पे आपका लंबे से लंबा चैन है। तो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, पेरेंट चैन सेलेक्ट करने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है दोस्तों, हम नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग हम दोस्तों उस साइड से करेंगे जिस साइड से आपका फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। यहाँ पे दोनों तरफ से एक ही बात है, देखो 1 2, इस तरफ से भी 1 और ये 2 नंबर पर आ रहा है, तो आप कोई भी साइड ले लो। जैसे मैंने ये साइड ले ली, 1 2 3। अब देखिए यहाँ पे नंबरिंग करने के बाद, पेरेंट चैन सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इससे जुड़े हुए सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं, यानी इनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ, CH3, और ये आपका क्या है, Cl। इसका क्या यूज़ करते हैं दोस्तों, हम प्रेफिक्स क्लोरो यूज़ करते हैं, और CH3 को हम क्या कहते हैं, मैथिल कहते हैं दोस्तों। ABCD में देखिए C पहले आता है और आपका यहाँ पे N बाद में आता है, तो हम इसको पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 से, तो 2 क्लोरो, उसके बाद ये 2 मैथिल, इनका नाम तो हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट का नाम हो गया। अब पेरेंट चैन का नाम लिखते हैं, कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं दोस्तों, मैथ एथ प्रोप कहते हैं, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसके साथ क्या आएगा, ANE, नाम क्या बन गया दोस्तों इसका, आपका 2 क्लोरो 2 मैथिल प्रोपेन। आसान है। तो दोस्तों इसी तरीके से है, जो आप अपने अन्य इस प्रकार के ब्रांच्ड एल्केन का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, देखिए पेरेंट चैन का हमने नाम क्या लिखा है, सबसे लास्ट में लिखा है, इसको ऐसे समझ सकते हैं PCN, पेरेंट चैन का नाम लास्ट में है। पहले क्या लिखना है पेरेंट चैन से, उससे जुड़े हुए सब्स्टिट्यूट का, जैसे यहाँ पे ये आपके सब्स्टिट्यूट है, और हमारे खूब सारे वीडियो आए हुए हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा।